कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। स्वस्थ जीवन सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार, जैसे स्लोगन के साथ आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के छात्र नेताओं ने अन्य साथियों के साथ अर्धनग्न होकर जुलूस निकाला। सर्किट हाउस से जुलूस के रूप में निकले इन लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। न्यूटीमा हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन लोगों ने कहा कि अतुल प्रधान की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, लेकिन इलाज व दवा के नाम पर मरीजों को लूट रहे इन चिकित्सकों व इन्हें संरक्षण दे रहे भाजपा नेताओं की संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में लीगल एस्टेब्लिश एक्ट में मरीजों के अधिकारों का चार्ट नर्सिंग होम में चस्पा करने, बिना लैब टेक्नीशियन किसी अन्य के नाम से संचालित लैब को बंद करने व बिना नक्शा पास कराए चल रहे अस्पतालों की बिल्डिंग को ध्वस्त करने की भी मांग की गई। देखिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अतुल प्रधान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब अगर शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, लगाइए डॉक्टरों के सामने मत कर देना। अरे भैया क्या कर रहे हो, मारपीट की है एक बुजुर्ग के साथ। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजदीप विकल ने यह कहा। नाम राजदीप विकल है और आज हम सब लोग सर्किट हाउस से इकट्ठा होकर तमाम अन्य सब कॉलेजों के छात्र नेता, जो जागरूक लोग हैं, वो जो अब वर्तमान में छात्र राजनीति कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठा होकर आज हम पैदल मार्च करके अर्धनग्न रूप में कलेक्ट्रेट में आए हैं। जो ये पिछले दिनों से एक प्रकरण चल रहा है, जो डॉक्टर अनावश्यक रूप से, जो डॉक्टर कम और नेता ज्यादा है, वो दूसरा काम करने का काम कर रहे हैं, उन चीजों को लेकर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं। और अतुल प्रधान जी जो पूर्व में छात्र नेता रहे हैं और हम सब लोगों के सीनियर हैं, हम सब लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आने वाले लोग हैं, वो जो जिस तरह से अलग बयानबाजी करके उन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, हम उनके उन चीजों का समर्थन करने के लिए, और जो ये स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं, जो ये अस्पताल फर्जी रूप से खुले हुए हैं, जो आम आदमी को लूटने का काम कर रहे हैं, जो पीड़ित कोई शिकायत कर रहा है उसे पीटने का काम कर रहे हैं, उन चीजों के विरोध में आज सब हम लोग कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर आए हैं। जो अवैध रूप से अतुल प्रधान जी पिछले 15 साल से पॉलिटिक्स में है, अब वो वर्तमान में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक डॉक्टर ये आरोप लगा दे, आरोप लगाना किसी पे बहुत आसान है, ये साबित करके दिखा दे कि किसी से एक रुपया, चाहे वो वसूली तो वसूली, अगर किसी से वैसा भी कोई एक रुपया लिया हो तो एक रुपए का आरोप लगा के दिखा दे। और डॉक्टर जो है, जो ये दूसरे दल के नेता है, ये जो उनके पक्ष में झूठी अनलग बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनके संरक्षण में फल फूल रहे। आप देखो न्यूट्रीमा अस्पताल है, न्यूट्रीमा अस्पताल को 2021 में नोटिस मिल लिया, 18 में नोटिस मिल लिया, 20 में नोटिस मिल लिया, 22 में नोटिस मिल लिया, ये लोग उन्हें क्यों संरक्षण दे रहे हैं? वो तो सीधा सीधा चोर करने का काम कर रहे हैं, टैक्स चोरी करने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इस चीज को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे इन लोगों के खिलाफ। बाबू गलत कानून अपना काम कर रहा, हम ये पूछना चाह रहे हैं। चलो विधायक जी अस्पताल में गए, विधायक जी पे FIR दर्ज होगी। ये डॉक्टरों की ऐसी कौन सी पीड़ा है अब कि ये डॉक्टर, जो डॉक्टर 5 मिनट 1200 रुपए लेकर भी OPD में टाइम नहीं देता, 1200 रुपए लेता है वो, 1200 रुपए में भी टाइम नहीं देता और 200 OPD करता, उस पे ऐसा कौन सा वो काम हो गया कि वो लोग अब पैदल मार्च कर रहे हैं? वो करे पैदल, वो राजनीति से प्रेरित होकर पैदल मार्च कर रहे हैं। वो अगर 5 मिनट आप सब लोग, जितने आम लोग खड़े, वो सारे के सारे लोग आप इस चीज से भीग है
कि वो दो मिनट डॉक्टर देते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। सीधा बिल्कुल ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना कि आप 20 मरीज से ज्यादा नहीं देख सकते, वो 200 मरीज किस आधार पर देख रहे हैं। तो वो जो संरक्षण की बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम साहब ने जांच की कराई थी, डिप्टी सीएम उस जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करें, यहाँ के सीएमओ ने रिपोर्ट कराई, सीएमओ ने कहा उनका व्यवहार गलत है, उन्होंने ज्यादा पैसे लिए, कोर्ट से वो दवाई देते हैं, एडीएम ई की जांच में ये सिद्ध हुआ कि उन्होंने गलत पैसे लिए, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम अतुल प्रधान की संपत्ति की जांच करें, हम चाहते हैं अतुल प्रधान की संपत्ति की भी जांच हो, साथ साथ हम भी ये मांग कर रहे हैं आपके सामने मीडिया की और इन डॉक्टरों की भी और डॉक्टर के साथ ये जितने नेता बीजेपी के उनका समर्थन कर रहे हैं उनकी भी सबकी संपत्ति की जांच हो। कुछ तो इनमें चुनाव लड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हल्फनामा दिया होगा 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में हल्फनामा दिया होगा, उस हल्फनामे से भी इनकी जांच हो। और ईडी सीबीआई सारे लोग, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी ये मांग करते हैं कि जो उनके यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं बीजेपी के, सबकी संपत्ति की जांच हो और साथ साथ अतुल प्रधान की संपत्ति की जांच हो, ये भी हम मांग रहे हैं। आगे की रणनीति 4 तारीख में माननीय अतुल प्रधान जी ने अपने कृमि कंसन का या आमरण अनशन का आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रखी है, हम सब छात्र जितने यहाँ बैठे पूर्ण रूप से उनके समर्थन में यहाँ बैठे और लोग कह रहे पूर्ण रूप से जनसमूह बनेगा और कहते हैं लेकिन लोग की जान ले लेंगे ये कर लेंगे, जान लेने वाले बहुत हैं, हम अतुल प्रधान के लिए जान देने वाले लोग, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे अगर कोई काम होगा, यही बैठकर आंदोलन का रूप लेके गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।